गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी जी, अपराधियों ने हड़प ली बुजुर्ग महिला की जमीन। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों ने बुजुर्ग महिला की हड़पी लाखों की जमीन। अब डीएम से अपनी जमीन वापस लेने के लिए न्याय की गुहार लगा रही बुजुर्ग महिला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात हमेशा करती है, लेकिन प्रदेश में जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। हाल ही में इसका उदाहरण गाजीपुर जिले में देखने को मिला है, जहां पर एक वृद्ध महिला जो कि सैदपुर की रहने वाली है, इसके पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। महिला भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है। वृद्ध महिला का आरोप है कि कब्जा करने वालों में दबंग नेता मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार हैं। उनकी दबंगई कुछ इस तरह की है कि तहसील से उसके जमीन की पत्रावली भी गायब कर दी गई है। इसको लेकर वह पिछले कई सालों से दर बदर भटक रही है। इसी को लेकर एक बार फिर महिला जिलाधिकारी के दरबार में पहुंची थी। मामले की जाए कार्रवाई, पीड़ित महिला जिलाधिकारी कार्यालय पर लाठियों के सहारे चलकर पहुंचने वाली ये लक्ष्मी देवी हैं, जो कि गाजीपुर के वार्ड नंबर 5 पटेल नगर सैदपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने मंगलवार को जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पत्रावली को खोजा जाए, साथ ही कहा कि रिकॉर्ड रूम सैदपुर के प्रभारी को आदेश देने की कृपा किया जाए, ताकि इनकी पत्रावली मिल जाए, इस मामले में आगे की कार्रवाई हो सके। महिला की एक बीघा जमीन में किया कब्जा। महिला ने आरोप लगाया कि इनके ही पड़ोस में रहने वाले दबंग किस्म के कुछ लोगों ने करीब 5 से 6 साल पहले इनकी करीब एक बीघा जमीन माता सुंदरी देवी के नाम से थी। उनके मर जाने के बाद जब वह नाम जुड़वाने गई तो देखा कि इंतखाब में न्यायालय एसडीएम के द्वारा गांव सभा के खाते में इनकी जमीन खारिज कर दी गई। इसके लिए महिला को न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही कोई जानकारी दी गई। भीख मांगकर जीवन यापन कर रही महिला, इसके बाद से ही यह महिला लगातार सैदपुर से लेकर गाजीपुर के अधिकारियों और न्यायालय में इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन इसे अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। स्थिति यह है कि इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे भी मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना घर चलाते हैं। लक्ष्मी देवी लोगों से भीख मांग कर अपने जमीन की लड़ाई लगातार लड़ रही है। क्या नाम बता दिया आपको? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, बतावा कि यहाँ डीएम कार्यालय पर पिछले कई बार सावत हो, कहा मामला आपको? अरे बाबू, यह तो मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार हूँ, हमके एकदम बेदीन कर दे हुए, हमारी पूरी जमीन ले हुए, असली गुंडा तो वही जगह हुए। कहाँ का मामला है? सैदपुर 5 वार्ड नंबर। तो कितना जमीन ले लें? एक बीघा 1 बिस्सा। कैसे ले लें लोग? अरे मार पीट के कट्टा लगा दे हुए गर्दन में हमारे। कितना दिन भर? अरे 5-6 बरिस हम दौड़ जाते हैं बाबू। ठीक है, वो नाम इब्रान हुआ, शाहिद हुए, मंसूर हुए, ये लोगन मार के ले हुए। कहना कि भाग जाओ, सब हमारा जमीन है, दस्तखत कर दो। हम राती रात वहाँ से भागल हैं, खून वैसे ही खून खराबा से हाँ, देश देश से छाना थे बाबू। अधिकारी बतौली बात को पूरा हम छान गलनी, कोनो सुनवाई ना होता बेटा। हम रो रो के का कहीं अपन विपद बेटा, हम दिन दिन भर बिना कहले भीख मांग मांग के हम अपन जीवन पार करत है। अभी डीएम साहब के पास आए, एप्लीकेशन दलू है? हाँ। का बतौली उनसे? यह कुल बात बतैनी, कोनो सुनवाई ना, वहाँ जाए तो हमके कुल मार दिए। डीएम साहब आज का कहली ना? कहनी की जाओ भेंट कर लो तहसीलदार से, तहसीलदार से हम कहा जाए वहाँ भेंट करे। का लगा तुम्हें उम्मीद बा? हमके उम्मीद है, हमारे लड़कन के भगा दे तू कुकुर नियर, तुम्हारा काम नहीं है। का करी हम, मार खाए जाई जान सही।